जय हिंद गाइस, आज बात करेंगे 90 रुपए का यह पेन स्टॉक जो कि मात्र अभी 90 रुपए का है, लेकिन आने वाले समय में यह मल्टीवेग रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है और इसका प्राइस और ज्यादा काफी बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस कंपनी में काफी बड़ी पोटेंशियल है कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। गाइस वही रिटर्न की बात करें गाइस, देख सकते हैं 5 ईयर में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया। गाइस 1 ईयर की बात करें गाइस, तो 1 ईयर में भी कंपनी ने 91% का पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दिया। गाइस और इस चार्ट में काफी अच्छी पोटेंशियल है, आप देख सकते हैं कि चार्ट ओवरऑल ऊपर की तरफ ही जा रहा है। गाइस करेक्शन तो बीच बीच में छोटे मोटे आते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो चार्ट यह बताता है कि इस कंपनी में काफी ग्रोथ की संभावना है। गाइस वही मैक्सिमम का चार्ट अगर आप देखते हैं, मैक्सिमम को देखेंगे तो देख सकते हैं कि ओवरऑल मैक्सिमम का भी ऊपर की तरफ जा रहा है। गाइस जिस कंपनी का चार्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है गाइस, उसमें स्ट्रेंथ दिखती है और वहां पर कंपनी का स्ट्रांग बिजनेस दिखता है। गाइस लेकिन कोई भी चार्ट जब ऊपर से ऐसे करके नीचे जाता है गाइस, फिर ऐसे जाता है नीचे की तरफ जाता है, तो यहां पर यह माइनस पॉइंट हो जाता है। लेकिन इस चार्ट का आप देख सकते हैं कि ऊपर तरफ ही ओवरऑल जा रहा है। तो गाइस किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बिजनेस के बारे में जानना काफी जरूरी हो जाता है और फंडामेंटल भी एनालिसिस करना काफी जरूरी हो जाता है। गाइस तो आज इस कंपनी का पूरा डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे और फंडामेंटल भी चेकआउट करेंगे। गाइस क्या अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या सही समय है और क्या यह अच्छा खासा रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है। गाइस कंपनी का नाम है सलासर और काफी अच्छा बिजनेस कंपनी का, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कंपनी जो कि मुख्य रूप से कंपनी यहां पर टावर निर्माण के क्षेत्र में लगी हुई है। गाइस और यहाँ पर कई प्रकार के टावर कंपनी जो कि निर्माण करती है, जैसे देख सकते हैं टेली कम्युनिकेशन और पावर का भी बनाती है यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो लाइटिंग का भी है, स्टार लाइट और रिन्यूअल एनर्जी पर भी कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, और इसके अलावा देख सकते हैं कि पोल्स और ब्रिज पर भी कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। इंडस्ट्री डिटेल की बात करेंगे तो देख सकते हैं कंपनी का जो कि 15K के आसपास टेलीकॉम टावर है, और कंपनी के पास यहाँ पर हैप्पी क्लाइंट्स जो कंपनी के पास में 600+ हैं, और यहाँ पर कंपनी जो कि एक्सपोर्ट टू करती है यहाँ पर 25+ देशों में, और कंपनी जो कि एनुअल कैपेसिटी है जो प्रोडक्शन की यहाँ पर 110K की है, और कंपनी में 500 जो कि पावर ट्रांसमिशन लाइन है कंपनी के पास में, और यहाँ पर रेलवे ट्रैक कंपनी जो कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर 400+ का दे रखी है। गाइस तो काफी अच्छा यहाँ पर कंपनी का बिजनेस है। कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर 3,302 करोड़ का है गाइस, तो छोटी कंपनी है, आपको इसमें कम पैसा लगाना चाहिए, लेकिन इस कंपनी में स्पेस काफी ज्यादा है ग्रो करने के लिए। 34.1 का हाई लगाया था, 8.71 का लो लगाया था, 62 का यहाँ पर पी है, वही इंडस्ट्री पी देखें 28.5 का, तो उस हिसाब से स्टॉक यहाँ पर पी के हिसाब से महंगा नजर आ रहा है। ROC एंड ROE भी कंपनी यहाँ पर काफी अच्छा है, 1 रुपये फेस वैल्यू की कंपनी है। सेल्स कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर जनरेट करती है और अर्निंग पर सर 0.33 पैसे का है, तो कंपनी अपने बीच से यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर जनरेट कर पा रही है। कर्ज कंपनी में 315 करोड़ का, जब कंपनी में रिजर्व भी पड़ा हुआ 292 करोड़ का, तो काफी अच्छा यहाँ पर रिजर्व भी कंपनी में पड़ा हुआ है, और प्रमोटर की होल्डिंग 56% की है जो ठीक ठाक मानी जाती है गाइस 50 से ऊपर, लेकिन प्रमोटर ने यहाँ पर 4.14% यहाँ पर जो कि अपने शेयरों को गिरवी रख रखा है, यहाँ पर माइनस पॉइंट हो जाता है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के यहाँ पर जो कि अच्छा है और प्लस में है, और यहाँ पर FIS की 8.42% की होल्डिंग है और DIS के यहाँ पर कोई भी होल्डिंग नहीं है, तो कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग 35.6% की है गाइस। अदर इंग्स कंपनी 3.88 करोड़ जनरेट करती है, जो कि यहाँ पर वैसे तो माइनस पॉइंट हो जाता है। वही कंपटीशन की बात करें गाइस, तो देख सकते हैं ये सारी कंपनियां हैं इस सेक्टर की, और क्वार्टरली रिजल्ट के अनुसार सेल्स कंपनी का आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है गाइस, तो कंपनी इसका मतलब कि अपने बिजनेस को यहाँ पर लगातार ग्रो कर रही है। वही पूरे साल पर नजर डालेंगे यदि प्रॉफिट लॉस, तो देख सकते हैं कंपनी के सेल्स को ओवरऑल काफी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है गाइस, तो आने वाले समय में कंपनी और अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है जिस हिसाब से इंडिया का जो कि ग्रोथ आगे बढ़ रहा है, चाहे फिर रेलवे का हो, चाहे टेली कम्युनिकेशन का हो और किसी भी सेक्टर का हो। और वही कंपनी के नेट प्रॉफिट बात करें गाइस, नेट प्रॉफिट कंपनी का आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है गाइस। वही रिटर्न की बात करें गाइस, तो देख सकते हैं कि कंपनी ने 5 ईयर का 18% के हिसाब से CAGR से रिटर्न दिया है, अगर मतलब कि बहुत बड़ा रिटर्न है गाइस ये 5 ईयर्स का 18%, आप कैलकुलेट करोगे तो काफी बड़ा अमाउंट निकल कर आएगा। वही कंपाउंड प्रोटोकॉल भी ठीक ठाक नजर आ रहा है गाइस, और सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक नजर आ रहा है जो कि प्लस में है और ठीक ठाक है गाइस। वही बैलेंस शीट की बात करें गाइस, तो कंपनी में बैलेंस शीट यहाँ पर ठीक ठाक है, क्योंकि कंपनी में 292 करोड़ का कंपनी रिजर्व पड़ा हुआ है, जबकि कंपनी में 315 करोड़ का कर्ज पड़ा हुआ है, तो
वही शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे गाइस, तो 69.70% की प्रमोटर की होल्डिंग थी पहले, लेकिन अभी वर्तमान में 55.97% की होल्डिंग है गाइस। तो प्रमोटर ने यहाँ पर थोड़ा बहुत बिकवाली किया है जो कि माइनस पॉइंट हो जाता है, और कुछ 4% के आसपास यहाँ पर गिरवी भी शेयरों को रख रखा है गाइस। एफआईएस के पास यहाँ पर कोई भी होल्डिंग नहीं थी, लेकिन एफआईएस ने अभी 8.42% की होल्डिंग को बना लिया है, यहाँ से इंक्रीज किया है जो कि प्लस पॉइंट यहाँ पर हो जाता है, जबकि पब्लिक के पास फिर 35.16% की होल्डिंग बची हो गाइस। तो गाइस कंपनी के यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, जिस हिसाब से छोटी सी कंपनी है और कंपनी का काफी अच्छा बिजनेस है जो कंपनी फ्यूचर बिजनेस पर काम कर रही है गाइस। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक रिसर्च जरूर कर लेना चाहिए गाइस, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है। धन्यवाद।